और एसपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नेता स्वामी प्रसाद ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। जैसे पहले के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटकर इंग्लैंड पैसे ले जाती थी, वैसे ही अब बीजेपी सरकार जनता का सारा पैसा लूटकर अडानी अंबानी को दे रही है। सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं, इन्वेस्टर्स समिट केवल दिखावा है और छलावा है। आज जिस तरीके से पूरे देश ने नौजवानों को बेरोजगारी की त्रासदी से झेलना पड़ रहा है, सरकारी नौकरियां गायब होती जा रही हैं, इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल समिट केवल दिखावा है, छलावा है। आज तक कोई भी उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं लगा जिससे बड़े पैमाने पर रोजगारी बढ़ी है। नौजवान निराश है, सरकार सभी मुद्दों पर फेल है, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, देश के गरीब, महिलाएं, किसान सभी महंगाई से त्रस्त हैं। जीएसटी लघु एवं सीमांत जो हमारे लघु और मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनसे धन उगाही का इसको माध्यम बना लिया है। आज व्यापारी परेशान है, सारे विकास काम ठप हैं। केवल नाम बदलना, पत्थर लगाना आदि आदि करके ये झूठी बाहेबाजी सरकार लूटने का काम कर रही है। और यही नहीं, आजादी के बाद ये एक पहली सरकार है जिसने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रतिष्ठानों को निजी क्षेत्रों में बेचने का पाप कर रही है। शुरुआती दौर में ट्रेड यूनियन लीडर और विश्वविद्यालय यूनियन के छात्र नेतागण मांग करते थे कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन भाजपा की सरकार एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय विभाग को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथ में कौड़ियों के भाव बेच रही है।